120 भारत यात्री हैं, इसमें से एक तिहाई महिलाएं हैं, इनमें से 9 लोग महाराष्ट्र के हैं, उन 9 में से 5 महिलाएं हैं, औसत आयु 38 साल की है। ये भारत यात्री हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। वास्तविक है कि आपकी निगाहें सिर्फ राहुल जी पर, चैनलों की निगाहें, सोशल मीडिया की भी निगाहें सब वास्तविक है, क्योंकि वो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक विशेष भूमिका है कांग्रेस पार्टी संगठन में। पर मैं नहीं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, एक तो राहुल गांधी कोई डेटॉल या फेविकॉल के ब्रांड नहीं है, उनको रीब्रांड करना पड़ता है। वो एक इंसान है, उनके विचार हैं, उनके सोच हैं, और ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने खास तौर से सोशल मीडिया में उनकी छवि बनाई थी, वो सही राहुल गांधी को दर्शाता नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में नया राहुल गांधी नहीं आया दिखा रहा है, असली राहुल गांधी दिखा जा रहा है। यही राहुल गांधी जी थे, तो सोशल मीडिया ने इसको छिपाया था, बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री ने छिपाया था। और भारत जोड़ो यात्रा का क्या एडवांटेज मिला है, राहुल गांधी जी सीधे संपर्क में है, बीच में कोई नहीं है, बिचौली कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो सीधा बात करते हैं। तो उसका एक नतीजा है कि असली राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर आप इसको रीब्रांडिंग कहें, ये आपकी भाषा, ये मेरी भाषा नहीं, रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर ये मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में पूरा परिवर्तन आया है। आज जो राहुल गांधी जो मीडिया में चर्चा होती है, सोशल मीडिया में चर्चा होती है, वो राहुल गांधी नहीं जो 70 दिन पहले